राधे राधे मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस पृथ्वी पर जन्मे कोई राजा हो या कोई सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा, कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब किसी जीव का जन्म होता है उसी समय उसके मृत्यु के समय को भी निर्धारित कर दिया जाता है। हम सभी ये देखते हैं कि हर रोज हजारों एक्सीडेंट होते हैं। कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु के समय से पहले ही किसी कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में अकाल मृत्यु बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अकाल मृत्यु भी भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया होता है, और अकाल मृत्यु किस कारण होता है? अकाल मृत्यु होने के बाद आत्मा के मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। अगर आपके मन में भी किसी प्रकार के प्रश्न उठ रहे हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से देने की पूर्ण प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर आपका द हिंदू ग्रंथ में। मित्रों, गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को एक प्रकार से ईश्वर का दंड माना गया है, जिसमें व्यक्ति का शरीर तो छूट जाता है लेकिन उसकी आत्मा का परलोक में प्रवेश वर्जित होता है। गरुड़ पुराण में आगे विष्णु जी यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के साथ चक्र निश्चित है। ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है, जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह पीछा नहीं छोड़ता है। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों व जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को अधिकतम 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, जबकि अकाल मृत्यु व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है। ग्रंथों की दृष्टि से आत्महत्या एक घिनौना कृत्य है। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। वह कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। ऐसी आत्मा को मरने के बाद सबसे कष्टदायी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में भटकती रहती हैं, क्योंकि जब अकाल मृत्यु होती है तो उस जीवात्मा को लेने कोई यमदूत नहीं आते, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताए गए 7 चक्रों को पूरा करने से पहले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है और उस जीवात्मा को ये ज्ञान ही नहीं रहता कि उसे जाना कहाँ है और कैसे जाना है, और उसे बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसके वास्तविक मृत्यु का समय आते ही यमलोक से यमदूत आते हैं और उस जीवात्मा को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद उस जीवात्मा के साथ क्या होता है आप देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जान लेते हैं कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। गरुड़ पुराण में विष्णु जी के वाहन गरुड़ राज ने श्री हरि से यह प्रश्न पूछा था कि जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है। इस सवाल के उत्तर में श्री हरि तर्क देते हैं और कहते हैं कि यह सच है कि वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्म को नहीं लिया गया है, अर्थात हर इंसान की प्राकृतिक मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं रहती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता।
लेकिन जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म होता है, उसका एक धर्म होता है। ऐसे में इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की शक्ति नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल निर्धारित है, लेकिन अपने कर्मों के जरिए वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान ना होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह क्या क्या कुकर्म कर रहा है। गरुड़ पुराण में श्री हरि ये भी बताते हैं कि आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति के कई मार्ग हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि मृत व्यक्ति के परिजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए, साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब जाकर कहीं अकाल मृत आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।